आज हमारे पास है ऐसे ब्लूटूथ ईयरफोन्स जो सिर्फ 450 रुपए में आते हैं, तो है टेकफायर 500 V2 ब्लूटूथ ईयरफोन्स। वैसे मैंने 500 रुपीज में आने वाले वायर्ड ईयरफोन्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट पर इसे लगभग 2 लाख के आसपास रेटिंग्स मिली है, तो एक पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग लो बजट ईयरफोन्स है। इन्हें ही हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये एक हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन है जिससे मैं आपको इसकी एग्जैक्ट साउंड क्वालिटी सुनाऊंगा, उसी के साथ इसके वोकल्स, बेस और बिल्ड क्वालिटी को भी डिटेल में चेक करेंगे। तो क्या इस प्राइस में इसे लेना सही रहेगा या फिर कोई वायर्ड ईयरफोन के साथ जाना सही रहेगा, इन सभी कन्फ्यूजन्स को इस वीडियो में क्लियर करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसे लेना सही रहेगा या फिर नहीं। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग से। तो ये कुछ इस तरह के पाउच में आते हैं। इसे ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलते हैं ईयरफोन्स, उसके बाद वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल और एक एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ ईयर टिप्स। तो ये सारा कंटेंट हमें इसके साथ मिलता है। बात करें इसके लुक्स, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की, तो ये है एक्चुअल ईयरफोन्स जो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे बिल्कुल भी 450 रुपए के नहीं लगे। ये आपको मार्केट में अवेलेबल 1000 रुपए के बाकी ईयरफोन्स की तरह लगते हैं। इसमें आपको फुली मेटल के मैग्नेटिक ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं, साथ ही यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए ईयर हुक्स भी दिए गए हैं जिन्हें आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके नेक बैंड की क्वालिटी भी मुझे काफी सही लगी। इसके दोनों ही साइड में यहाँ पर आपको स्लाइडर्स मिलते हैं जिससे आप वायर की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये फीचर भी मुझे काफी यूनिक लगा। इसके कंट्रोल और बैटरी मॉडल में हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट, एक माइक्रोफोन और बटन कंट्रोल्स मिलते हैं जिनमें कॉल पिकअप एंड रिजेक्ट, म्यूजिक प्ले पॉज और वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे प्राइस के हिसाब से काफी सही लगी। इस प्राइस में आपको मेटल की ईयर टिप्स मिलते हैं जो ज्यादातर 1000 रुपए में आने वाले ईयरफोन्स में भी देखने को नहीं मिलते, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star। एक बार इसके सभी ऑन पेपर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को भी देख लेते हैं जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो यह 10mm के साउंड ड्राइवर्स, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, मैग्नेटिक ईयर टिप्स, बिल्ट इन माइक्रोफोन, इनलाइन बटन कंट्रोल्स, स्वेट रेजिस्टेंट माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और 40 आवर्स की बैटरी लाइफ के साथ। ऑन पेपर इसके फीचर्स भी डिसेंट लग रहे हैं, तो आगे इन सभी को डिटेल में चेक करेंगे। अब एक बार इनकी गेमिंग टेस्ट भी कर लेते हैं, देखते हैं इनकी लेटेंसी कितनी मिलती है और क्या गेमिंग के लिए इन्हें लेना सही रहेगा या फिर नहीं। तो आपने यहाँ पर इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस और लेटेंसी को भी देख लिया है। इस प्राइस में आपको लेटेंसी काफी कम देखने को मिलती है। फिलहाल मैंने जितने भी ईयरफोन्स और TWS को कंपेयर किया है उस हिसाब से इनमें आपको लगभग 80-90 milliseconds की लो लेटेंसी मिलेगी, तो गेमिंग के लिए भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को मैं दूंगा 4 out of 5 star। अब एक बार इसके माइक क्वालिटी को भी चेक करते हैं, देखते हैं इसमें कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलता है। तो मैं इसे मेरे फोन के माइक्रोफोन से कंपेयर करूंगा जिससे आपको इनकी माइक क्वालिटी का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फ़ैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज़ इसमें आती है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, मेरे रूम का फ़ैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की ऑडियो ये रिकॉर्ड करता है। तो आपने इनकी माइक क्वालिटी को भी सुन लिया है, तो प्राइस के हिसाब से माइक क्वालिटी भी मुझे डिसेंट लगी। इंडोर्स में कोई परेशानी नहीं आएगी, बट आउटडोर्स में थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ ज़रूर आती है, तो इसकी माइक क्वालिटी को मैं दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते हैं इसके मेन साउंड क्वालिटी और बेस की। तो ये एक हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन है जिससे मैं आपको इसकी एग्जैक्ट ऑडियो सुनाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके वोकल्स को चेक करते हैं, उसके बाद बेस को भी टेस्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। अब सेमी एक बार बेस को भी चेक करते हैं। तो आपने इसके वोकल्स और बेस दोनों को ही सुन लिया है, तो लाउडनेस में कोई इश्यू नहीं आएगा। 100% वॉल्यूम पर भी साउंड डिस्टॉर्शन नहीं होती। इसके वोकल्स की क्लैरिटी भी मुझे काफी डिसेंट लगी और बेस भी प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक मिलता है। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग इसके साउंड क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें 40 आवर्स की बैटरी बैकअप को क्लेम किया है, बट अगर आप 70% वॉल्यूम पर इसे यूज करते हैं तो लगभग 25-30 आवर्स तक बैटरी बैकअप मिल सकती है और इसे चार्ज होने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, क्या इसे लेना सही रहेगा या फिर नहीं। तो देखो सिर्फ 450 रुपए में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के ईयरफोन्स मिल रहे हैं जो बिल्ड क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी डिसेंट प्रोवाइड करते हैं।
इनकी ऑडियो क्वालिटी मुझे 400-450 रुपए में आने वाले कुछ वायर ईयरफोन से भी बेटर लगी। तो सच में एक बेस्ट लो बजट ब्लूटूथ ईयरफोन्स है जो आपको 450 रुपए में वैल्यू फॉर मनी फीचर्स और साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। वैसे इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे टेकफायर 500V2 ब्लूटूथ ईयरफोन्स। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।